हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लेके आया हूं आपके लिए हमारा ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है हमारे एक्चुअल क्लासरूम का, जो हमने ऑनलाइन पढ़ाया था, जिस बैच के कुछ बच्चे बीपीएससी में सेलेक्ट भी हुए। तो अब क्योंकि वो पुराना बैच आगे बढ़ चुका है, तो हमने तय किया कि हम इन वीडियोज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके जिन्होंने हमारे कोर्स को नहीं भी लिया था। तो आप इन वीडियोज़ को पूरा देखिए, समझिए, लोगों से शेयर जरूर करिए, और आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स आने वाला है, उसके लिए आप इन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो ई बुक है, जो कि पीडीएफ है डाउनलोडेबल, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा और ये वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बट ध्यान रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज एक लाइक बटन जरूर प्रेस करिए और कुछ कमेंट जरूर छोड़िए, ताकि हमारा आउटरीच बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। तो आइए सीखते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो ज्योग्राफिक रीजनलाइजेशन क्या है? एक तरफ तो आप फिजियोग्राफिक यूनिट को पढ़ते ही हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर जैसे इनायत अहमद का नाम आता है, राम प्रवेश सिंह जी का नाम आता है, इन लोगों ने ज्योग्राफिक डिविजन्स रीजन्स को काम किया बिहार में। जैसे इंडिया के ज्योग्राफिक डिविजन्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, माउंटेन्स प्लेट्यू प्लेन्स वाला करते हैं ना डिविजन, फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ऐसे यहाँ पे रीजनल डिविजन्स किया बिहार, ठीक है, और ये किया रिवर बेसिन के आधार पे। क्राइटेरिया क्या है, रिवर बेसिन कौन सा किससे बाइफर्केटेड है, कैचमेंट एरिया एक रिवर का क्या है। तो मेजर रिवर बेसिन को अगर आप देखिए तो ये बहुत अच्छा मैप है जहां से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि कौन सा रिवर बेसिन कौन से एरिया को कवर करता है, राइट। तो आप अगर देखिए ये वाला जो 10 डिविजन वाला है, इट विल मेक योर यू नो ज्योग्राफी ऑफ बिहार बेटर। तो आप पहले यहां से वेस्ट से ईस्ट की तरफ देख सकते हैं, तो ये गंगा को अगर मैं बीच में डिविजन लाइन मानूं तो गंडक बेसिन से लेके बागमती से लेके कमला से लेके कोसी से लेके महानंदा, और इधर अगर आप देखिए कर्मनासा सोन से लेके पुनपुन हरोहर क्यूल बदुआ और चंदन, ये आपको लार्जली दिखेगा मेजर बेसिन आपको गंगा के। तो तराई रीजन वाला जो एरिया है, ऑब्वियसली ये वाला एरिया हो गया आपका पोर्शन जहां पे पैडी जूट शुगर केन का बड़ा बड़ा कल्टीवेशन फील्ड है, राइट, अररिया किशनगंज तक। तो इस एरिया तक आपको थोड़ा सा दिख जाएगा आपको ऊपर। तो ये बेसिकली ये लाइन अगर ऐसे दिखाऊं तो ये पोर्शन जो है आपको तराई रीजन का इस तरीके से डिविजन आप देख सकते हैं, ये इसमें बहुत सारे रिवर बेल्ट हैं। घाघरा गंडक दुआब जो है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है घाघरा और गंडक का दुआब एरिया, तो इसमें ये दुआब एरिया है, ये कहते हैं जो ग्रेन बॉल है बिहार का सबसे फर्टाइल प्लेन्स में से आता है, राइट। ये जो एरिया है वन ऑफ द बेस्ट एरिया है कल्टीवेशन का, ये जो दुआब एरिया है घाघरा गंडक वाला और गंडक कोसी वाला जो एरिया है वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स। तो इसमें सबसे ज्यादा सारण सिवान गोपालगंज वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 120 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल भी होता है, शुगर केन से लेके बाकी जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज्यादा है इसमें। इसके बाद आप देखेंगे गंडक कोसी वाला, ये वाला जो एरिया आता है इधर का, तो गंडक और कोसी के बीच में जो दोआब एरिया है जहाँ पे बागमती अधवारा कमला ये जो बलान ये जो बेसिन एरिया आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखेंगे सीतामढ़ी शिवहर बेगूसराय दरभंगा मुजफ्फरपुर वैशाली मधुबनी ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं बिहार के, राइट। तो ये डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे अभी थर्मल पावर से लेके आपको थोड़ा सा क्या हाइडल पावर भी स्टैब्लिश किया गया है, बीच बीच में आप देखेंगे ये चीजें आएंगी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे पुराने फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑयल रिफाइनरी थर्मल पावर स्टेशन यू नो बरौनी बड़ा फेमस है इसमें। तो ये जो एरिया है इसको कवर करता है ये रिवर बेसिन। कोसी महानंदा बेल्ट जो है वो ये वाला बेल्ट है, ये रीजन है, तो इसमें मधेपुरा सहरसा खगड़िया किशनगंज अररिया पूर्णिया ये जो बेल्ट है इस एरिया को हम जानते हैं फ्लड प्रोन रीजन ऑफ बिहार, टॉर्मेंटेड बाय फ्लड स्पेशली कोसी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो इसमें आप देखेंगे थोड़ा फ्लड प्रोन रीजन है, प्लस क्योंकि हवाएं मॉनसून की ऐसे घूम के आ रही होती हैं तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल करती है, और जैसे जैसे इधर जाते हैं तो रेनफॉल का अमाउंट कम होता जाता है, तो यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है इस बेल्ट में यहाँ पे आप देखेंगे, और एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे दोनों जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे इश्यूज रहती हैं हमेशा बिकॉज ऑफ ओवर फ्लडिंग एंड इश्यूज। फिर आ जाइए कर्मनासा सोन वाला एरिया में जो ये वाला बेल्ट है आपका, राइट। तो कर्मनासा सोन वाले बेल्ट में आप देखेंगे बारिश थोड़ी कम होती है लेकिन यहाँ पे कनाल इरिगेशन सिस्टम बड़ा डेवलप्ड है बिहार में इस एरिया में आप देखेंगे तो, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप जो है ये कनाल इरिगेशन पे डिपेंड करता है, पैडी जो है और यहाँ पे बहुत फेमस है, और यहाँ पे राइस मिल बेल्ट कह सकते हैं इसको,
ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन साथ साथ देख लीजिए आप इसको, ताकि बेटर है वो। और देन फिर आता है सोनक्यूल वाला एरिया। तो ये जो दोआब है आपका, सोनक्यूल वाला जो एरिया है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि सोन और क्यूल बेल्ट में। तो इस दोआब में जो पीछे आपने देखा, ये जो बेसिन है आपका, ये वाला बेसिन, ये जो बेसिन है, इसमें आप देखेंगे जो एरिया आता है, ये जो पटना से फर्दर जहानाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद, गया, इधर वाला जो बेल्ट आ गया, ये वाला, राइट, ये एरिया में आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। बिहार में बारिश कम होती है और यहाँ पे फर्दर आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, राइट, सिल्क टेक्सटाइल, ऑयल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, ये फेमस है इस रीजन में। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया, ईस्ट सेंट्रल बिहार प्लेन। अब ईस्ट सेंट्रल बिहार प्लेन में आता है भागलपुर, मुंगेर और बांका रीजन्स, राइट, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है। तो इधर में आपको ज्यादातर देखेंगे सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टोबेको इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट वाला इंडस्ट्री, कुछ खास ग्रेन्स और जियो टैगिंग हुआ है, कुछ कुछ स्पेशल वैरायटी ऑफ सीड्स का, तो वो मिलेगा। और फिर बीच में आपको गंगा देरा रीजन है, ये वाला जो एरिया है, इसमें गंगा देरा की बात करते हैं हम लोग, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली से लेके आपको कटिहार तक, ये जो गंगा का एरिया है जिसमें आपको बहुत सारे देराज मिलते हैं। और फिर फर्दर अगर प्लेटू रीजन्स को, नैरो स्ट्रिप को लिया जाए, तो कैमूर प्लेटू और माइका रीजन जो मुंगेर, जमुई, गया, नवादा में मिलता है। तो ये जो रीजनल डिविजन्स है, ये आप इसमें अगर गौर करें फर्दर, ये रीजनल डिविजन्स उसी ज्योग्राफिक यूनिट्स के आधार पे, ज्योग्राफिकल फीचर्स के आधार पे है। तो ये रीजनलाइजेशन हुआ बिहार का, कि आप अगर नेचुरल रीजन्स में पढ़े बिहार को, तो ये 10 रीजन्स में भी पढ़ सकते हैं। रीजनलाइजेशन ऑफ बिहार ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल फीचर्स, फिजियोग्राफिक डिविजन्स के आधार पे। तो ये जो इन्होंने किया है प्रोफेसर्स ने, इनकी बात भी आप कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैप पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये रिवर मैप और रिवर बेसिन मैप अगर आपको पता है, और इसके पीछे कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कहाँ पे, ये अगर थोड़ा पता है, तो मैपिंग करके ये बातें बता सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख रहे हैं, आप यहाँ तक बने हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन सो दैट हमारा चैनल का आउटरीच बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ज्योग्राफी ऑफ बिहार।